हेलो गाइस, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है, हम कुछ ऐसे मिस्टेक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमें बाय शेप पीछे कल पे नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मुझे मेरे साथ साथ इस चैनल को मोटिवेट करेगा और कुछ वीडियो अपलोड लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहता है पिक्चर बाइसेप कर्ल का, हमें बैठना कैसे है। तो ये जो सिटिंग है ये नीचे भी हो जाती है और ऊपर भी हो जाती है, मूवेबल रहती है। अगर हम ज्यादा नीचे करके बैठते हैं सपोज, तो हमारा कोई हाथ रखने का जो प्लेसमेंट है वो बिगड़ेगा। ठीक है, अननेसेसरी अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर करके बैठेंगे तो हमारा जो ये हाथों का नी है वो नीचे जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमें कैसे बैठना है, एक कंफर्टेबल सीट करके बैठना है जिसमें हम हमारा इजीली बैक आर्च करके हमारा हाथों का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ रखेंगे। ऑल राइट, अननेसेसरी अननेसेसरी हमारे जो बाइसेप को मोड़ के नहीं इसे प्लेस करेंगे, ये बहुत गलत फॉर्म है। ठीक है, जैसे हम रख सकते हैं इजीली वैसे रखते हैं जैसे रखना रहता है। ऑल राइट, ये हमारा पैरों का प्लेसमेंट रहेगा। हमारा ऑलरेडी हिप्स पैड पे है, अपर चेस्ट ऊपर वाले पैड पे है। हमें इतनी गैप छोड़ना है कि हम ब्रीथेबल हो सके। एकदम ज्यादा चिपक के बैठेंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी, हम वर्कआउट या परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट, मैं ऑलरेडी पीछे थोड़ा सा पीछे खसक के बैठना है जिससे हम ब्रीथ ले पाए। पैड ऑलरेडी अपर चेस्ट पैड पे है, हमारा ये जो ट्राई शेप का हिस्सा है। ऑल राइट, ये नीचे पैड पे रहेगा। अननेसेसरी अभी फिर से बता था मैंने, ऐसे बाइसेप को मोड़ के नहीं रखना है। बहुत से लोगों ने बाइसेप को मोड़ के रखते हैं, उससे कुछ भी मसल में इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये हमने रखा है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये लीवर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये हमारा हाथों की ग्रिप रहेगी, आप पास में करके नहीं पकड़ेंगे, दूर से हमें पकड़ना है। ठीक है, ये हमारा हाथों का प्लेसमेंट हो गया। पैर हमने ऑलरेडी रख रखे हैं, हम ब्रीथ ले सकें इतना हमने गैप छोड़ रखी है। ठीक है, नाउ अब हम ऑल द वे टू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी रेंज चालू होगी। ऑल राइट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इतना हम स्ट्रेच करेंगे, इससे ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। नाउ अगेन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके साथ हमारा जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो आएगा ब्रीथ का। ऑल राइट, हम ब्रीथ कैसे करना है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हम ब्रीथ लेंगे, स्ट्रेच करेंगे तब हम ब्रीथ छोड़ेंगे। ऑल राइट, देखिएगा। हमारा ये जो रेस्ट है, फोर आर्म इसको बोल लीजिए, इसको हमें कैसा रखना है, ना नीचे बैंड करके रखना है ना ऊपर बैंड करके रखना है। ऑल राइट, ये जैसा रहेगा वैसे ही बैंड रहेगा। ठीक है, हमने कैसे कर रखा है उसको, ऐसे ही है ना, हमने ज्यादा नीचे कर रखा है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इससे आपके बाइसेप में। अगर ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं, कैसा रहेगा लाइक दिस। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। तो कभी भी क्या होता है कि हम वेट ज्यादा लिफ्ट पे पिक्चर बाइसेप कर्ल में हम वेट ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल राइट, तो क्या होता है, या तो अगर आपको वेट 20 या 25 किलो भी बहुत ज्यादा लगता है, अगर आपको लगे तो आप अपने स्पॉटर की मदद ले सकते हैं लिफ्ट कराने में, या फिर आप आपके पार्टनर बॉडी की, जो भी आपका जिम बॉडी है उसके साथ आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर एक और फॉर्म है हमें कैसे लिफ्ट करना है। ऑल राइट, हम थोड़ा सा लिफ्ट उठेंगे, या हमने हमारा लीवर को पिक करा, नाउ हम लिफ्ट करेंगे, अब हम नाउ बैठ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हमारी रेंज चालू होगी, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच
अगर हम इससे ज्यादा स्ट्रेच करते तो हमारे जो बाइसेप का पीक है उस पे टेंशन बढ़ती है, उस पे लोड आता है, वो बाइसेप का जो ये पीक है इस पे ये डैमेज होने के 100% चांसेस है। ऑल राइट, तो हमें इतना ही स्ट्रेच करना है, अननेसेसरी उससे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का। डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक ड्यूरिंग बाइसेप पिचर कर्ल। टेक केयर, गुड बाय।